बहुत कल भी रात को बच्चे लोग यहाँ आके सब तैयारी कर रहे थे और आज के कब सुबह होगा और कब हम कलीसिया में जाएंगे आज का दिन के लिए इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी तैयारियाँ चल रही थी इस सेलिब्रेशन के लिए। इसके लिए हम लोग सेलिब्रेशन के अंदर जाएंगे और इस मिनिस्ट्री के द्वारा जैसा पास्टर ने भी आज एक्सप्लेन किया मिनिस्ट्री को इन शॉर्ट 35 साल एंड टाइम मिनिस्ट्री अंबरनाथ की कलीसिया के अंदर हो रही है और इस 35 सालों के अंदर न जाने कितने बपतिस्मा हो गए और कितने ही लोग उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य में आने का अनुग्रह प्रदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है कि जो आत्माएं, जो सोल्स, प्राण नरक की तरफ जाती है, बाइबल में लिखा है कि एक भटके हुए नाश होने वाले को फिर से वापस प्रभु के राज्य में लेकर आना। हालेलुया, बड़ा आनंद होता है स्वर्ग के राज्य में। तो कितने 35 सालों के अंदर कितने सारे आत्माओं को नरक की आग से बचाया गया है और स्वर्ग के राज्य में पहुंचाया गया है। हालेलुया, ये जोरदार ताली होनी चाहिए इस बात के, जरूर जरूर ताली होनी चाहिए इस बात के लिए। हालेलुया, आज हम यहां पर खड़े हैं कि इस बात को अप्रिशिएट करने के लिए। हालेलुया, इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो खुदा ने बड़ी महिमा का कार्य किया है उसके लिए हम अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ खड़े हैं। अप्रिशिएशन होना, सबसे बड़ा अप्रिशिएशन तो हम हमारी खुदा का करते हैं। हालेलुया, हम हमारी प्रभु का करते हैं। सो बच्चे लोगों ने तैयारी कर लिया है। पास्टर से रिक्वेस्ट है जब पास्टर पीछे ले हैं, लेट पास्टर कम फ्रॉम द बैक साइड। पास्टर वी रिक्वेस्ट यू प्लीज, पास्टर पास्टर अम्मा सो पीछे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ जी, आप रुकिए। यस आई विल डू इट। यस यस, बिफोर जस्ट मैं कुछ बातों को यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। जब पास्टर तैयार हो रहे वहां से आने के लिए, और सुनिए पास्टर अम्मा भी जाएंगे। पास्टर बॉर्न ऑन द डेट ऑफ 17th March 1969, गिविंग होप टू द होपलेस, हीलिंग टू द सिक, आर टूल्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड, अ वेसल वेयर सुप्रीम अनॉइंटिंग लेज, a blessing for our end time ministry all over India, of course a father to his spiritual children, and this day we celebrate him. We can go on describing him, but you all know him very well. Allow me to welcome, let we all stand on our feet with a big hands, give a big hands to receive our apostle Pastor Shekhar David. End time ministry, we welcome you, Pastor, in the name of the Lord Savior Jesus Christ. A big hand for our apostle, our beloved pastor. तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां। We appreciate Pastor, we love you Pastor. Oh, thank you, Father, Lord Jesus, for wonderful pastor that thou given to us. We thank the Lord Jesus for this wonderful pastor. A great man of God. Happy birthday, Pastor. Yes, a big hand. We welcome you. The church is welcoming you.
ऊपर दो चेयर डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, दो चेयर ऊपर डाल दीजिए। पास्टर का स्वागत, अब हम लोग सब बैठ सकते हैं अपने जगह पे, हम लोग सब बैठ जाएंगे अपने अपने स्थानों में। बैठ जाइए अपने अपने स्थानों में। कुछ बातों को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हमारे अपोस्टल के लिए, प्रभु के दास के लिए। हालेलुया। धन्यवाद देने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है। एक एक बातों को अगर आपके सामने बोलना शुरू करूं तो काफी वक्त हो जाएगा, लेकिन इस मिनिस्ट्री के अंदर अपोस्टल के द्वारा जो एक योगदान है, 55 वर्षों में जो कार्य खुदावन ने किया है उनके जीवन के द्वारा, वो वाकई बताने के लायक है। मैं उसको थोड़ी सी बातों में आपके सामने रखना पसंद करूंगा। पास्टर, आपके जीवन ने प्रदर्शित किया है कि आप वास्तव में अपनी मंडली से कितना प्यार करते हैं। जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण, हालेलुया, इस सेवकाई के प्रति और इस सेवकाई से जुड़े हुए एक एक परिवार के प्रति, खुदावन के राज्य के लिए जो योगदान है उस योगदान के लिए तालियां होनी चाहिए। हालेलुया। हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने ऐसा एक शख्सियत हमारे बीच में रखा। हालेलुया। हम आपकी समर्पण और शिक्षा के लिए आभारी है। आपके और भी जन्मदिन हो इसकी शुभकामनाएं हम करते हैं, क्योंकि आप उस खुदा की सेवा करना जारी रखेंगे जो खुदा ने आपको दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जन्मदिन मुबारक हो पास्टर आपको। परमेश्वर आपके इस विशेष दिन पर आपको बड़ा सा बड़ा आशीर्वाद दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं बहुत सारी बातों के लिए। परमेश्वर की उस बुलाहट का उत्तर देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए। खाली वचन नहीं, इस अंतिम समय का सत्य वचन को, हालेलुया, उस नबी का संदेश को सारे हिंदुस्तान के अंदर लेके जाने के लिए जो प्रयास आपने उठाया है, जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। हम उस प्रचार कार्य का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के सत्य वचन पर दिन रात ध्यान करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे दिलों में सच्चाई का बीज सावधानी से बोने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी रात की नींदे हराम करने के लिए, यस, एक सेवक के जीवन कितना स्ट्रगल होता है ये वही जानता है। उनके रात दिन फोन करना, उनको अपनी सारी, एक परिवार हमसे संभाला नहीं जाता एक परिवार संभालना कितना मुश्किल होता है। और आज ये जो परिवार यहां बैठे, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर कितनी ब्रांचेस, हालेलुया, प्रभु ने दिया है, कितने परिवार दिया है, जोरदार तालियां। हम अप्रिशिएट करने के लिए यहां खड़े हैं। हालेलुया। आपका रात दिन का नींद हमने खराब किया, और सेवा और कलीसिया के प्रति आपका भाग दौड़ जिसे हम कभी नहीं देख पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए हम खुदावन को धन्यवाद तालियों के साथ, हालेलुया। हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं पास्टर जी कि हमारा नेतृत्व जो आपने किया है, लीडरशिप, एक ग्रेट लीडर खुदावन ने हमको दिया है, इसके लिए हम खुदावन का तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हर एक बात जो मैं जिक्र करूंगा, जोरदार तालियां से हम खुदावन को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। हमें प्रोत्साहित करने के लिए हम खुदावन को धन्यवाद दे रहे हैं पास्टर जी। हालेलुया।
आपका प्रोत्साहन हमारे जीवन में बड़ा ही असरदार होता है। आपके शब्द हमारे दिलो दिमाग को छू जाता है। हालेलुया। जब आप बोलते हैं हमारे दिल में कुछ होने लगता है। हालेलुया। हमारे साथ रोने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे परिवार में जब दुख और तकलीफ होती है, पीड़ाएं होती है, परेशान होती है, हमारे दुख में आप भी दुखी हो जाते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे आनंद में आप भी शामिल होते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे मुश्किलों में हमारा पीठ थपथपाकर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हालेलुया। तालियां कमी नहीं होनी चाहिए। ये 35 साल का धन्यवाद हम ये आधे घंटे में नहीं दे पाएंगे, जो आपका परिश्रम और आपका योगदान, लेकिन ये छोटी सी तोहफा है आपके लिए। हालेलुया। विशेष करके इस अंतिम समय का संदेश हमें सिखाने और हमारी अगुवाई करने के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। हालेलुया। इस सच्चाई को हमारे दिल में बोझने के लिए, हमें सुधारने के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। ए हर एक बिगड़े हुए लोग, सबसे पहला मेरा हाथ, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं हमें सुधारने के लिए। ए कम ऑन, मैं प्रभु के सुसमाचार से लजाता नहीं, मैं कभी नहीं लजाऊंगा। मैं बिगड़ा हुआ था, लेकिन आज मैं खुदावन के धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूं कि आपकी सेवकाई के द्वारा, आपकी परिश्रम योगदान के द्वारा खुदावन ने मेरे पर दया किया, रहम किया और मुझे यहाँ खड़ा करने का अनुग्रह दिया। हम सबके बारे में बोल रहा हूँ। हालेलुया। आपके बिहाफ में मैं बातें कर रहा हूँ। ये आपकी बातें, मैं कलीसिया की बातें पास्टर तक पहुंचा रहा हूँ। हालेलुया। हमारी अगुवाई करने के लिए धन्यवाद, हमें सुधारने के लिए धन्यवाद, आपके द्वारा स्वीकार की गई आलोचना के लिए, क्रिटिसिज्म, बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं। हाँ, कोई किसी को अगर कुछ बोल के देख ले, रात भर नींद नहीं आएगी, और इतने सारे लोग बोलेंगे तो क्या होगा। उसको भी हजम करने की ताकत होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा, ये प्रभु, ये सिर्फ प्रभु का आत्मा ही इस चीज को कर सकता है। अगर खुदा उसके साथ ना हो तो ये मुश्किल है। आपके द्वारा लड़ी गई इस लड़ाई के लिए, आपके द्वारा किए गए बलिदानों के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने और उस पर भरोसा करने के लिए, हाँ उसके जैसा बनने के लिए, हमको सिखाने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हालेलुया। अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, एक्सेलेंट। हालेलुया। जो आपने दिया है वो एक्सेलेंट है पास्टर जी। कलीसिया आपको धन्यवाद कहती है। हालेलुया। हम आपकी सराहना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, और सबसे बड़ा हम सब मिलकर कहेंगे, पास्टर आई लव यू। हालेलुया। पास्टर हम आपसे प्यार करते हैं। जोरदार तालियां उस प्यार के लिए। ये आज कलीसिया आपसे कहती है, पास्टर वी लव यू। हालेलुया। मैं वचन में पढ़ा था, ऐसा मैंने जॉन के अंदर कहीं मैंने पढ़ा था, मैंने नोट करके 15:13 में लिखा है, जीसस टोल्ड अस देयर इज नो ग्रेटर लव देन दैट ऑफ अ मैन विलिंग टू ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए प्राण देता, एक दोस्त अपने दोस्त के लिए जो जान देता है, उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं। और आज आपने सब कुछ कलीसिया को दिया। हालेलुया। सब कुछ कलीसिया को दिया, अपना धन, संपत्ति, शरीर, आत्मा, प्राण, हर एक चीज से आपने कलीसिया को आपने बनाया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, इसे बड़ा प्रेम और कोई नहीं, जॉन 15:13 के लिए। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक स्पेशल गीत के तरफ हम लोग जाएंगे। संडे स्कूल के बच्चों का स्पेशल सॉन्ग्स रेडी है, तो हम लोग एक 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 एक, और उसके बाद फिर श्वेता तैयार रहे, कुछ हम लोग स्पेशल सॉन्ग्स लेंगे बच्चों की तरफ से।
जल्दी से। हाँ, ये गवाही है, वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। अच्छा, ठीक है। अब मैंने इतना बड़े द्वारा हम सुनेंगे अप्रिसिएशन का कि संदेश और इस सेवकाई के द्वारा खुदा ने उनके जीवन में जो बड़ा काम किया है, दो शब्द में वो गवाही देना चाहिए। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदाओं के खुदा, मेरे मालिक, मेरे राजाओं के राजा, मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, इस सही समय पर, सही जगह पर आपने हमें पहुंचाया मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमारे पास्टर जी को अपने दानों वरदानों से भी भर दिया, आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। अनंत काल का जीवन दिया उसके, आपका प्रभु यीशु कोटि कोटि धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हर एक सेवकाई को, हर एक यात्रा को उन्हें सफल किया मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। उनके मार्गों को खोला मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को मेरे पिता परमेश्वर, हम सबों को मेरे पिता परमेश्वर, आपके भोजन से, आत्मिक भोजन से, हमारे अपोस्टल जी के द्वारा हमें तृप्त किया मेरे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हर एक गहराई की बातों से हमें प्रकट किया, हर एक गहराई की बातों से हमें मेरे पिता परमेश्वर सराबोर, हम सबों को किया, आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से इस परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस परमेश्वर को भी हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो ऐसा हमें मेरे पिता परमेश्वर अपने फलों से मेरे पिता परमेश्वर ने सराबोर किया है मेरे पिता परमेश्वर, आत्मिक उन्नति दी है उन्हें मेरे पिता परमेश्वर, सबों को क्षमा किया, आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर मेरे आसमानी पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जेठा भाई ने सोचा कि आज दुआ करूं पास्टर के लिए, थैंक यू। और ब्रदर राज आए हैं हमारे बीच में, राजकुमार, इज देयर ब्रदर राजकुमार? अगर नहीं है तो सिस्टर वाघमारे है हमारे बीच में, बहन वाघमारे, क्योंकि ये हमारे पुराने विश्वासी है, तो इनके मुंह से दो शब्द इस सेवकाई के जरिए से जो खुदावन ने उनके जीवन में किया हम सुनेंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं पास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ कि ये वचन में वही हमें लेके आए। 1998 में जो टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी, प्रभु ने तभी मुझे चुना था, और मैं जन्म से क्रिश्चियन होके भी मैं क्रिश्चियन नहीं थी, पर जब मैंने वचन को सुना तभी मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। मैं बीमार थी, मैं चर्च को नहीं आती थी, मैं ऑनलाइन मीटिंग सुनती थी। जब मैंने ऑनलाइन मीटिंग सुना तो वहाँ पुलपिट से एक आवाज़ आई कि तुझे यहाँ आना है। बोले कि मैसेज तो चालू है, मुझे कौन बुला रहा है? मैं प्रभु का धन्यवाद है, जब मैं यहाँ आई तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी, मेरा शुगर ठीक हो गया। मेरी मम्मी बीमार थी, उनको हार्ट अटैक आया था, और प्रभु यीशु मसीह ने इतना चमत्कार किया कि वो ठीक हो गए। मैंने विश्वास किया था कि मैं यहाँ आके प्रार्थना करूँगी और मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरी माँ को ठीक करेगा। मेरे अंदर हमेशा बचपन से एक डर रहता था, मैं बहुत डरती थी दवाखाना जाने के लिए, हर बात के लिए, मैं चीज़ के लिए डरती थी। जैसे जैसे ही पास्टर ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे चंगाई मिल गई, मुझे एक शांति मिल गई, मेरा दुख आनंद में बदल गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हुए दवाखाने में जब गई, मैं मेरी मम्मी को देखा उस हालत में, मैंने कहा कि तू ठीक हो गई है, प्रभु ने तुझे चंगा किया है, और मेरी माँ ठीक होकर यहाँ आ गई। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे पासवान को हमें दिया, जिन्होंने उनका हर एक वक्त हमारे फैमिली के लिए दिया। उन्होंने उनके पत्नी उनके बच्चों का नहीं सोचा, उतना उन्होंने हमारे फैमिली के लिए सोचा है। और प्रभु यीशु मसीह को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि वचन के द्वारा जिन्होंने आत्मिक मानना हमें दिया। मैं कलीसिया में आती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं शादी में आ रही हूँ, और वो हर तरफ से एक ऐसा मानना मुझे देते हैं कि मैं प्रभु का धन्यवाद, मैं आत्मीय रीति और बढ़ती जाती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, उस पासवान को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस जगह पे लेके आए, लाखों गुणा उस कलीसिया को जो मेरी फैमिली है, और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस।
God bless you, sister. प्रभु आपको आशीष दे. एक गीत सुनेंगे स्पेशल संडे स्कूल के बच्चों के जरिए. जाती है आशीष लेकर नीचे आती है स्तुति आराधना ऊपर जाती है तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जान मैं जो पहले मुर्गा था तूने डाली मुझ में जान क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी बोलो जय 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 प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान जीते हैं हम यारो हारे का शैतान जीते हैं हम यारो हारे का शैतान ये शफ़क़त तेरी जिंदगी से बढ़ता ये शफ़क़त तेरी जिंदगी से बढ़ता होटो से तारी मुबारक हे स्वर्गीय पिता आते वो जल्दी आ
जोरदार था। हमसे एक गाना गाया नहीं जाता है, कितने सारे गाना गा लिए लोगों ने। प्रभु बच्चों को आशीष दे। हमारे बीच में इस सेवकाई के द्वारा अनेक परिवारों को खुदावन अपने राज्य में। अच्छा, एक संडे स्कूल ऑफरिंग आया है, मैं चाहता हूँ कि टीचर आप ही दे दीजिए पास्टर को, तो अच्छा रहेगा। संडे स्कूल बच्चों ने अपना ऑफरिंग लाया है पास्टर को देने के लिए। खुदावन बच्चों को आशीष दे कि बच्चे लोग इतने छोटे उम्र में ऑफरिंग निकालना सीख गए। हालेलुया। अनेक परिवार जो इस सेवकाई के अंदर आशीष को पाए, उनकी गवाही हम सुनना चाहते थे, लेकिन उन सारे परिवारों में से हमने एक परिवार को चुना, ब्रदर भांगर परिवार। मैं चाहूँगा कि ब्रदर भांगर, सिस्टर भांगर, क्योंकि ये बहुत ही जुना परिवार है और पास्टर के करीबी मित्र भी हैं, बचपन से वो लोग साथ में बहुत बातों को देखे हैं, दो शब्द में आज हमारे बीच में वो गवाही को रखने वाले हैं। मैं उनको बुलाता हूँ आगे, भांगर परिवार को। ब्रदर सैमसन और वहीनी आएंगे आके। भाई सैमसन जब भी उल्लासनगर चर्च में जाते थे, तब मैं इतना बच्चा था, मुझे साइकिल में बिठा के वो लेके जाते थे चर्च में। तो ये बहुत पुराना रिश्ता है, जुना रिश्ता है, इसके लिए हम सुनना चाहेंगे उनके मुंह से खुदा की गवाही को। मैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो लोग यहां पे खुश है, खास तौर से जो पास्टर को बधाई देने चाहते हैं या पास्टर को दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जोर से एक बार तालियां बजा के उनका स्वागत किया जाए।
तो प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि कई सालों के बाद में यह मौका जो हम लोग चाहते थे, आज बहुत से लोग चाहते थे कि यह समय देखने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज हम लोगों को परमेश्वर ने यह समय दिया और यह मौका दिया कि हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा और उसका धन्यवाद करें। मैं पास्टर को भी बहुत सारा बातों में धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि आज उनका उम्र काफ़ी हो गया है, आई थिंक मेरे से कुछ 2 या 4 साल शायद छोटे होंगे, लेकिन पास्टर को मैं आज भी देखता हूँ कि जो उनके अंदर जो घट से जो जिद्द है वो कमी नहीं हुआ। उस जमाने में हम लोग 5 दिन तक कन्वेंशन शुरू होने से पहले और कन्वेंशन होने के बाद तक हम लोग का जो स्टैमिना था, ना सोना, ना हम लोग को नींद था, ना हम लोग को खाने का कुछ फर्क था, रात और दिन प्रभु की सेवकाई में लगे हुए थे। जो गट्स मैंने उस समय देखा था, जो अपने बचपनों के दिन में जब हम लोग संडे स्कूल में शायद हाफ पैंट पहनते थे, उस समय से लेके आज के दिन तक, आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पास्टर का नाम सारे दुनिया में फैल गया है। आज हम लोग यूट्यूब के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, और उनका जो मैसेज है सारी दुनिया को छोड़ के आज लोग उनके मैसेज के बारे में सुनने के लिए काफ़ी उत्सुकता उनके अंदर बढ़ गई है। और मैं आज भी देखता हूँ उनके जो कामों को, जब रात को वो आते थक हारे, हम लोग जाके अपने बिछाने पे जब सो जाते हैं तो हम लोग को फ़र्क नहीं गिरता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, आजू में या बाजू में, लेकिन उनका फ़ोन और उनके कान रात और दिन हर एक के फ़ोन की तरफ चालू रहते हैं, और वो जब भी आते हैं और कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि कोई हमारे बीच में से चला जाए तो भी भाई सोचते नहीं कि मैं कुछ आराम करूं, अपने शरीर को कुछ थकान को रुकाऊं, नहीं, वो रात और दिन प्रभु के लिए जो मेहनत मैंने देखा है आज तक मैं उनको भूल नहीं सकता। सो प्रभु उनको और भी आशीष दे, और मैं चाहता हूं कि आप सब कलीसिया मिलके उनके लिए प्रार्थना करें, वो जहां भी जाते हैं परमेश्वर का वचन को सुसमाचार फैलाने के लिए, जहां 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल आता है। सो आप लोग अपने चरवाहों के लिए हमेशा अपने प्रार्थना में याद रखिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, खासतौर से सिस्टर भी कुछ कहना चाहती है, सो इसके बाद में हम लोग चाहते हैं कि गाना गाएं। सो प्लीज प्रेज लॉर्ड, मैं परमेश्वर और लाख लाख धन्यवाद देते कि खरोखर नीति सूत्र याचा 31वा अध्याय आणि पहिले वचन मराठी मध्ये वाचा। नीति सूत्रे नीति सूत्रे 31वा अध्याय पहिला वचन, प्रेज लॉर्ड। जरा चुकीचं वचन झालं, नीतिसूत्राचा 31वा अध्याय आणि 10वं वचन, सद्गुणी स्त्री कोणाला प्राप्त होते, तिचे मन मोत्याहून अधिक आहे, तिच्या पतीचे मन तिच्यावर भरोसा ठेवते, त्याला संपत्तीची वाण पडत नाही। आमेन। खरोखर परमेश्वराला लाख लाख धन्यवाद देते की सिस्टर जे पास्टर जिथे जिथे जातील, जागोजागो जातील, तर ते फार काळजी घेतात, जसा देव पक्ष्यांची काळजी घेतो तसं ते आपल्या पतीची काळजी घेतात, वेळोवेळी त्यांना दवा पाणी, त्यांचं जेवण खावण, त्यांना सतत त्यांच्या पाठीमागे राहतात। आणि घरात पण असं म्हणजे देवपाणी वचन बोलले की की तिचे मुले व तिचा पती तिला सकाळी उठून धन्यवाद देतो। खरोखर त्या योग्यचे तिची स्त्री आहे, परमेश्वराला लाख लाख धन्यवाद देते की त्यांच्याद्वारे आपल्याला ते एक उदाहरण भेटतं की आपण पण खरोखर आपल्या पतीच्या आधीन राहिलं पाहिजे किंवा आपण तशी काळजी घेतली पाहिजे। त्या फार काळजी घेतात आणि खरोखर ते कंटाळत पण नाही, त्यांच्या चेहऱ्यावर कधी असे म्हणजे उदासीपणा नसतो, हमेशा त्यांचा हसरा चेहरा असतो। कितीही जरी मेंबर लोक किंवा कोणी जरी घरी गेलं तर ते
जेवण बनवून त्यांना चारण्याला कधीच ते असं म्हणजे मागे पुढे पाहत नाही, बैठो ना खाना खाके जाओ ना, आपण कितना भी नाही नाही बोलेगा तरी पण ते आपल्याला जेवल्याशिवाय आपल्याला घरी पाठवत नाही, आणि खरोखर ते पास्टरांची फार काळजी घेतात म्हणून मी परमेश्वराला लाख लाख धन्यवाद देते. एवढे दोन शब्द बोलते. सो प्रेज द लॉर्ड. एक भाई था जो खासतौर से आज नहीं है हमारे बीच में, और वो भाई को पाशर साहब बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, और उस भाई को पाशर साहब एक गाने के लिए हमेशा खाना नाश्ता चाय जो भी मांगेगा उसको पूरा देते हमेशा, क्योंकि पाशरों को बहुत ही ये गाना अच्छा लगता था. और वो गाना जो है यहाँ पे शायद बहुत सारे लोगों को याद होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, जीवन जो तुझको पाना है, यीशु के शरण में आना है, हृदय को अपने यीशु के चरणों में भेंट चढ़ाना है. ये गाना बहुत ही, इसके जो शब्द हैं बहुत ही दिल को छू जाने वाले हैं, और इसमें जो लिखा हुआ जो शब्द है शायद ही अगर आप इस वचन के ऊपर गौर करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वचन क्या कहता है. सो ये गानों को मैं गाना चाहता हूं. जीवन जो तुझको पाना है, यीशु के शरण में आना है. जीवन जो तुझको पाना है, यीशु के शरण में आना है. हृदय को अपने यीशु के चरणों में भेंट चढ़ाना है. जीवन जो तुझको पाना है. रोज पर रोज उसी की राह में चल.
दुनिया को मिट ही जाना है, जीवन जो मुझको पाना है, यीशु के शरण में आना है, बोलो जीवन जो मुझको पाना है, यीशु के शरण में आना है, हृदय को अपने यीशु के चरणों में भेंट चढ़ाना है, जीवन जो तुझको पाना है, ला 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 God bless you. सैमसन भांगर हमारे भी संडे स्कूल के टीचर रहे हैं और हमारे पास्टर के साथ वो यूथ से लेकर बचपन से साथ में रहे एक ही कलीसिया में और उनकी बढ़ोतरी हमारे सामने सब हमारे लीडर्स लोग हैं. हालेलुया. कितना अच्छा लगता है ना कि हमारे गुरु उनके गुरु सब यही बेटे हैं. और प्रभु की तारीफ हो. श्वेता आएंगे इस वक्त. श्वेता के द्वारा हम लोग एक स्पेशल सॉन्ग को सुनेंगे. थोड़ा सा आप लोग आनंद लीजिएगा. बच्चे लोग गाना चाहते हैं और प्रभु की महिमा करना चाहते हैं इस अच्छे दिन में. गॉड ब्लेस सभी को. प्रेज लॉर्ड. ये गाना जो अभी मैं गा रही हूँ काफ़ी सिंपल है बट उसके वर्ड्स जो है जैसे हम हमारे जीवन में प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंस है वैसे ही सेम पास्टर के जीवन में भी है. तो उनके तरफ से एक डेडिकेटेड सॉन्ग है प्रभु के लिए. प्रभु माझा तारणारा प्रभु जी
गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू श्वेता। अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। समय होता जा रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम है यहाँ पर, लेकिन कट करते जा रहे हैं, आपको समय पे छोड़ दिया जाएगा और सब लोग भोजन खा के जाना, कोई भी ऐसा खाली जाना नहीं, थोड़ा सा सबर करना। फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एंटायर मिनिस्ट्री अंबरनाथ कलिशा के तरफ से, हमारे सीनियर एल्डर जो है लोंडे ब्रदर आगे आएंगे हमारे पास्टर को हम अप्रिशिएट करने के लिए फूल के गुच्छे से, और सिस्टर लोंडे आएंगे तंगम सिस्टर के लिए, दोनों आगे आएंगे और हम लोग एक छोटा सा गुलदस्ता के द्वारा पास्टर को हैप्पी बर्थडे के लिए उनका अप्रिशिएट करेंगे, धन्यवाद देंगे, अभिनंदन करेंगे। या सिस्टर पनिया, हाँ 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 हाँ, दो गन्ना, ओके ठीक है, गॉड ब्लेस हर एक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर गुरुजी आएंगे, पास्टर गुरुजी आएंगे, हम चाहेंगे हमारे एल्डर थॉमस का गुलदस्ते के साथ उनको भी हम स्वागत करें, उनका भी बर्थडे है, हमारे सीनियर फाउंडर मेंबर है एंड टाइम मिनिस्ट्री के, गुरुजी के हाथ से हम एल्डर थॉमस का हम बर्थडे विशेष करते हैं एक छोटा सा गुलदस्ते के द्वारा। जोरदार ताली और एक छोटा सा सॉल भी उड़ाएंगे थॉमस अंकल को। अंकल बहुत मेडल जीत के लेकर आते हैं एंड टाइम के लिए, उनके घर में बहुत मेडल है, आप जाके देखेंगे। खुदावन ने उनको बहुत ही आशीष दी है। थैंक यू अंकल, गॉड ब्लेस यू। एल्डर यूथ्स लोग आएंगे और एक गीत गाना चाहते हैं, यूथ्स लोगों का एक गीत होगा और उसके बाद हम लोग केक कटिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद हम तुरंत केक कटिंग के लिए जाएंगे, आप लोग तैयार रहेगा केक के साथ, यूथ्स लोगों के गीत होंगे और उसके बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे पास्टर के हाथ से। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये गाना हमारे यूथ ग्रुप की तरफ से पास्टर के लिए डेडिकेटेड है, तो प्रोजेक्टर पे भी है, तो आप सब भी हमारे साथ गा सकते हैं। Your tears, you're the burden you bear, the loss by yourself.
the good and bad times, he'll see you through. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you have made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you hear your father say, my child. Hallelujah. पासों के लिए गीत हम भी समर्पित करते हैं. हालेलुया. कांग्रीगेशन की तरफ से गीत हो जाए जब तक ये लोग प्रिपेयर करते हैं. ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है. हालेलुया. ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है. देखे लहू से शिफा, मैंने तुझे मोल लिया है. देखे लहू से शिफा, मैंने तुझे मोल लिया है. तेरे वैरियों से, तेरे दुश्मनों से, तेरे वैरियों से, तेरे दुश्मनों से रखूंगा तुझको बचा. ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है. ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है. जब जब गिरे तू, तुझे मैं उठाऊं. जब भी घटे तू, तुझे मैं बढ़ाऊं. जब जब गिरे तू, तुझे मैं उठाऊं. जब भी घटे तू, तुझे मैं बढ़ाऊं. हर पल सदा तेरे पास रहूंगा. मत सोचना मैं तुझे भूल जाऊं. रखूंगा सीने से लगा, तुझे मैंने मोल लिया है. रखूंगा सीने से लगा, मैंने तुझे मोल लिया है. तेरे वैरियों से, तेरे दुश्मनों से, तेरे वैरियों से, तेरे दुश्मनों से रखूंगा तुझको बचा. ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है. ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है. देखे लहू से शिफा, मैंने तुझे मोल लिया है. जोरदार तालियां खुदावन का उस बहुमूल्य कीमती लहू के लिए. हालेलुया. उसने हम सबको खरीदा है. अब मैं
इनवाइट करूंगा पास्टर को, पास्टर अम्मा को आगे केक काटने के लिए और संडे स्कूल के बच्चे बच्चे आएंगे सब पास्टर के साथ और सब अपने अपने टोपियां अपने साथ लेकर आएंगे। सब बच्चे पास्टर के साथ आएंगे और हम लोग केक काटने की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे अपोस्टल जी का। अरे पास्टर पीछे रह गए, पास्टर को आगे लो। हाँ थोड़ा सा जगह दे दो सामने फोटो निकालने के लिए। और पास्टर हमारे आज पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सोना दिख रहे हैं, सोना बोले अपन बोलते हैं ना बच्चों को उलू उलू सोना माजे सोना आज पास्टर सोना हो गए हमारे। गॉड ब्लेस। बच्चे तैयार हो रहे हैं, जल्दी करो नहीं तो केक पिघल जाएगा। चलिए चलिए ओके रेडी ऑल आर रेडी। Happy birthday, Chetama, Pastorma. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, dear Pastorma. Happy birthday. और हमारे बीच में स्वप्निल आएंगे और सब साथ में खड़े रहेंगे। सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। आज कितने लोग खुश हैं, परमेश्वर ने हमारे पास्टर जी को इतने साल से 55 इयर्स अभी तक संभाला और 56 ईयर में पास्टर प्रवेश करने जा रहे हैं और पिछले कई सालों से उन्हें परमेश्वर ने संभाले रखा है। आपकी प्रार्थना और आपकी दुआ के अनुसार दुआ के जरिए उन्हें हर बार अपनी दुआओं में याद रखना और हर बार जहाँ कहीं भी पास्टर जाते हैं उनके लिए आने जाने के लिए और अम्मा के लिए और पास्टर के लिए और उनके परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना में याद रखना कि परमेश्वर उनकी सेवा को और बहुतायत से आशीष दे और उनके जो भी आने वाले सालों में जो भी पास्टर की इच्छाएँ हैं वो परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम सब एक मराठी गीत गाएंगे। ओ अमी आभारी रे आभारी मानतो यशुला, ओ अमी आभारी रे आभारी मानतो यशुला, ओ अमी 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 आभारी रे आभारी मानतो
का जिन्होंने अपना हर एक बातों से अपना सारा योगदान निकाला कि इस बर्थडे को ग्रैंड सेलिब्रेट कर सके, इसके लिए कलीसिया की तरफ से आप सबको धन्यवाद। आप लोग को प्रभु आशीष दे। यूथ लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में जो भी तैयारी की इसका शोभा बढ़ाने के लिए, यूथ का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। स्मॉल चिल्ड्रन, संडे स्कूल चिल्ड्रन, टीचर्स, आप लोगों का धन्यवाद। और हमारे अपोस्टल अभी दो शब्द में आपका धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद सभी भाई बहनों को, कलीसिया के छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, आपका प्रेम पाकर हम बेहद आनंदित है और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इतना प्यारा कलीसिया दिया है हमें। हम सब मिलकर प्रभु के राज्य की सेवा करेंगे। खुदावन आपको बड़ी आशीष दें।
हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस वेश्म सिंह का कृपा शांति समाधान पवित्र आत्मा का सहभागिता से लेकर प्रभु के आने तक यहाँ उपस्थित छोटे बड़े और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और समस्त कलीसिया जो हमसे जुड़े हैं अब से अबाद तक सबके साथ बनी रहे सब मिलकर कहें बोलो हालेलुया हालेलुया। आप लोगों से